नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम उन 7 प्रकार के खाद्य पदार्थ के बारे में चर्चा करेंगे जो बच्चे को खिलाना आवश्यक है। ऐसे कई खाद्य पदार्थ है जो बच्चे को पोषण की दृष्टि से खिलाया जा सकता है, लेकिन कुछ खाद्य पदार्थ का स्वाद अच्छा नहीं होता है और बच्चा उन्हें खाना नहीं चाहता है। आज के वीडियो में जिन 7 प्रकार के खाद्य पदार्थ के ऊपर चर्चा करेंगे, वह उन पोषक तत्वों से भरपूर होंगे जिनकी बच्चों की जरूरत होती है, और वह खाद्य पदार्थ बच्चे को खाने में अच्छी स्वाद भी होंगे। जैसे जैसे बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास तेज गति से होता है, वैसे ही 6 महीने पूरे कर चुके बच्चे को अधिक खाने की जरूरत होती है। आज इसी संबंध में बच्चे को खिलाया जाने वाला अतिरिक्त भोजन के तहत 7 प्रकार के खाद्य पदार्थ को कैसे शामिल करें, जिन्हें बच्चे को अवश्य खिलाना चाहिए, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। हम इस चीज के ऊपर भी चर्चा करेंगे कि यह बच्चे की मानसिक विकास में कैसे मदद करता है और बच्चे को अच्छी वजन कैसे बनाए रखता है। इसी तरह के स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां समय पर पाने के लिए हमारे चैनल धीरज मोटिवेशन एंड अमेजिंग फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर भी करें। अब बात करते हैं कि 7 प्रकार के भोजन में क्या क्या है। पहला भोजन है दूध और दूध से बनी सभी चीज। दूध उत्पादक जैसे कि गाय भैंसी का दूध, दही, पनीर, घी, खीर आदि बच्चे को 6 महीने के बाद माँ के दूध के साथ साथ अतिरिक्त भोजन के तहत दूध और दूध से बने सभी चीज, दूध से बने सभी खाद्य पदार्थ दिए जाने चाहिए। प्रोटीन खाद्य पदार्थ बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए आवश्यक मुख्य भोजन है। दूध और दूध उत्पादक प्रोटीन के अच्छे स्रोत होते हैं। 6 महीने के बाद जब बच्चा अधिक भोजन खाने लगे तो दूध और दूध से बने पदार्थ जैसे कि दही, पनीर, खीर, टार, घी आदि को भोजन के साथ या नाश्ते के रूप में दिया जा सकता है। बच्चे को खिलाया जाने वाले हर एक भोजन में दूध के व्यंजन शामिल करना चाहिए। विशेष रूप से घी का प्रयोग किया जा सकता है। घी में हेल्दी फैट, प्रोटीन के साथ साथ विटामिन ए, डी, ई, के होते हैं, जो बच्चे को ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। इससे बच्चों में बीमारियों से लड़ने की क्षमता के विकास होती है। दूसरा भोजन है अंडा। अंडे भी प्रोटीन का अच्छा स्रोत है, साथ ही अंडे विटामिन ए और आयरन से भरपूर होते हैं। इसके अलावा अंडे में सभी प्रकार के विटामिन और खनिज होते हैं, भले ही वह थोड़ा कम मात्रा में हो या फिर ज्यादा मात्रा में हो, लेकिन सभी प्रकार के विटामिन और खनिज होते हैं, जो बच्चे को उसकी जरूरत के लगभग सभी पोषक तत्वों को पूरा करने में मदद करते हैं और बच्चे को ओवरऑल वृद्धि विकास में मदद करते हैं। बच्चे को उबले अंडे दिन में 1 या 2 बार दिया जा सकता है, या फिर सप्ताह में कम से कम 2 बार तो खिलाना ही चाहिए। तीसरा भोजन है शकरखंड। शकरखंड आलू की प्रजाति का मीठा भोजन है, जो बच्चों के लिए पौष्टिक और खाने में स्वादिष्ट होता है। शकरखंड विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन B6, कॉपर, फास्फोरस और पोटेशियम से भरपूर होता है। यह बच्चों के हड्डियों और दांतों को ठीक से विकास करने में मदद करने के साथ साथ बच्चों के पाचन तंत्र को भी स्वस्थ रखने में मदद करता है। साथ ही शकरखंड बच्चे का वजन बढ़ाने में भी मदद करता है। शकरखंड को उबालकर और छाल को छीलकर बच्चे को खिलाया जा सकता है, या फिर इसे मैश करके इनमें गुनगुने दूध मिलाकर भी नाश्ते के रूप में खिलाया जा सकता है। चौथा भोजन है पीले फल और हरी सब्जियां। पीले फल जैसे कि संतरा, केला, आम आदि विटामिन ए और विटामिन सी के साथ साथ अन्य खनिजों से भरपूर होते हैं, जो बच्चे को बीमारी से लड़ने की क्षमता को बढ़ाते हैं। साथ ही हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे कि ब्रोकोली, बीन्स, ग्रीन कॉर्न, पालक, मेथी, बथुआ आदि में भी विटामिन सी, विटामिन ए, फाइबर, फोलेट, आयरन, कैल्शियम से भरपूर होते हैं। इसके अलावा इसमें ऐसे तत्व होते हैं जो रोग से लड़ते हैं। यह बच्चों को एनेमिया यानी कि खून की कमी होने से बचाता है, पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है, हड्डियों और दांतों को मजबूत करता है और किसी भी प्रकार का रोग लगने से बच्चों को बचाता है। इसी तरह गाजर बच्चों के लिए एक खास तरह का भोजन है, जिसे सब्जी या फल के रूप में प्रयोग किया जाता है। गाजर विटामिन और खनिजों से भरपूर होते हैं, जो बच्चे के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है। इसीलिए यह बच्चे की आंख, दांत, हड्डियां, लीवर, हृदय आदि को स्वस्थ और मजबूत रखने में मदद करता है। पांचवा भोजन है ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स जैसे कि बादाम, ओखर, पिस्ता, किशमिश, काजू आदि में पोषक तत्व और हेल्दी फैट होते हैं, जिनकी बच्चों को जरूरत होती है। इसमें प्रोटीन,
विटामिन ए, विटामिन बी थ्री, पोटासियम, मैग्नीशियम, आयरन, फोलेट जैसे पोषक तत्व होते हैं जो बच्चों को वृद्धि और विकास में मदद करते हैं। इसे आटा गूंदने समय, हलवा बनाते समय आदि में कम मात्रा में इस्तेमाल किया जा सकता है और खिलाया जा सकता है। छठा भोजन है गुड़। गुड़ में कैलोरी, कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक, फाइबर आदि अच्छी मात्रा में होते हैं जो बच्चों की हड्डियां और दांतों के लिए अच्छा होता है और पाचन तंत्र की समस्याओं से भी छुटकारा दिलाता है। गुड़ में पाया जाने वाला फाइबर बच्चे में कब्ज की समस्या को कम करता है और इसमें पाया जाने वाला जिंक बच्चों में बार बार होने वाला डायरिया को रोकने में भी मदद करता है। अब सातवां भोजन है मुर्गे की मांस यानी कि चिकन और मछली। चिकन और मछली प्रोटीन के उच्च स्रोत होते हैं और इनमें विटामिन B6 और विटामिन B12 होते हैं जो अक्सर शाकाहारी भोजन में नहीं पाया जाता है या फिर केवल उन खाद्य पदार्थ में पाया जाता है जिनमें नमक की मात्रा अधिक होती है। यह बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं और इनमें पाया जाने वाला मैग्नीशियम और फास्फोरस भी दांत और हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है। चिकन या मछली को कम मसाले के साथ पकाया या फिर सूप बनाया जा सकता है और खिलाया जा सकता है। बच्चे को मछली और मांस खाने के समय दूध और दूध से बने पदार्थ नहीं खिलाना चाहिए। ये 7 प्रकार के भोजन केवल 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए ना होकर सभी उम्र के बच्चों को भी खिलाया जा सकता है। आज के वीडियो में दी गई जानकारियाँ आपको कैसी लगी? यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो कृपया कमेंट बॉक्स में छोड़ दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। नमस्कार।